दोस्तों, हम हमेशा इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं कि हमारे अखंड भारत का साइज दुनिया के सबसे बड़े देश के रूप में था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार थे। पर समय के साथ भारत अपने एरिया को संभाल नहीं पाया और सिकुड़ता चला गया। पर दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो कभी एक शहर था पर आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रशिया की, जिसके एरिया की बात करें तो ये बौने ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है। पर हमारे पृथ्वी का 20% लैंड इसी देश में आता है और इस देश के हर इलाके में अलग अलग 11 टाइम जोन है जो आज 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारत से 6 गुना बड़ा है। पर दोस्तों, रशिया शुरुआत से इतना बड़ा नहीं था। 1000 साल पहले एक छोटा सा राज्य था, इसका नाम कीवन रस था, पर इस पर मंगोलों ने आक्रमण किया और अपने राज्य में मिला लिया। पर कुछ समय के बाद मॉस्कोवी शहर में मंगोलों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए और आधुनिक हथियारों के साथ मंगोलों का सामना किया और लंबे संघर्ष के बाद आजाद हो गए। यही मॉस्कोवी आगे चलकर मॉस्को बना, जो आज रशिया की राजधानी है। मॉस्कोवी के राजाओं ने इसकी सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया। इस पर राज करने वाले हर राजा ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया ताकि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी उनकी राजधानी तक ना पहुंच सके। और जैसे जैसे यहां के राजाओं की ताकत बढ़ती गई, उन्होंने आसपास के राज्यों को अपने में मिलाते चले गए। फिर वो चाहे पहाड़ी इलाका हो या बर्फीला इलाका, वो अपनी सीमाएं बढ़ाते चले गए। और इसी कारण आज रशिया अपने इतने बड़े एरिया को दूसरे आक्रमणकारियों और दूसरे देशों से अपने आप को बचा पाया है। फिर वो चाहे नेपोलियन के द्वारा किया गया आक्रमण हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के द्वारा किया गया आक्रमण। इन्होंने जब रशिया में घुसने की कोशिश की तो इनके सैनिक पहाड़ी इलाकों और भयानक बर्फीली ठंड से मारे गए। वैसे दोस्तों, क्या हम अपने प्यारे भारत को अखंड भारत के रूप में देख पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।